तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर। सो इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं आयशा अकरम के टिकटॉक वीडियोस। आयशा अकरम टिकटॉकर जिनके साथ मीना रे पाकिस्तान पर एक हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और उनके टिकटॉक वीडियोस पर नज़र डालेंगे किस टाइप की वीडियोस बनाती थी, कैसी वीडियोस बनाती थी, क्या उसमें अच्छा था, क्या उसमें बुरा भी था कुछ, क्या वो बुरा कंटेंट बनाती थी, क्या अच्छा कंटेंट बनाती थी। बहुत से लोगों के दिलों में सवाल है, अंदर सवाल है कि टिकटॉकर ऐसे होते हैं, टिकटॉकर वैसे होते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं इनके कंटेंट पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेशक इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम लोगों को फेम देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अकेली जरूर हूँ। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट मुझे अल्लाह के हुक्म से बहुत आगे लेकर जाएगी। साथ वाला बंदा कौन है? मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव नाम तेरे तो हमने अपनी जिंदगी कर दी। तुझको माना खुदा, तुझे से बंदगी कर ली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आयशा बेग। और आयशा बेग, तेरा रंग चिट्टा क्यों आ रहा है ना? ओ कहंदे ने कि कुड़ियां तो दूर रहना है, बड़ा खर्चा करवाने मेकअप करवाने के पैसे ले लिए। ओके, तो कुछ कॉमेडी फनी नॉर्मल सी वीडियोस हैं। इन्हें चीजों के पैसे मैनु ही देने पैने ने, है चल दे देंगा। यार मैं थक गई हूं, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं चला जा रहा। ते मैं इत्थे हूं तेरे वास्ते गड्डियां मंगावा, चुक लईए। नहीं 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 नहीं, फनी चले जाओ तो मेरी जिंदगी चल रही रह। जल्दी चलो ना, बहुत भूख लग गई है, प्लीज जल्दी चलो ना। इतनी तेन भूख लगती है, मैं मेरे को नहीं है पैसे, हूं मैं तेन कितो खवा पिज्जा खवा दिए। ये है आयशा बेग, आज गा रहे इतनी सारी चीजें अकेले खाई है, 3 कप चाय और फीडर के साथ। नो नो रैम्बो, ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसे ही। अब तो ये ऑनियर होगी, ये तो ऑनियर होगी, लोगों को पता चल गया है। गर्मी में खोतों का क्या क्या हाल हो गया है? गर्मी जे खोतियां दा की हाल। बर्दाश्त नहीं है तुम्हें किसी और के साथ देखना, बात शक की नहीं हक की है। अल्लाह दी कसम तू मैनू इतना प्यारा हो गया, हक छीन लिया गया, हक छीन लिए पब्लिक ने। हमारे ऊपर आया सेल्फीज लेने के लिए। सेल्फीज की हद तक तो ठीक था, लेकिन वो गिरते गिरते दबाव डालते डालते मुझे का मेरे पूरे ग्रुप को जो है वो जंगले के पास लेके क्लोज था। ऐसे में ये हुआ कि जंगले के बिल्कुल करीब एक गेट था, तो अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा कि मैं लड़की को तो अंदर कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग जंगले से बाहर ही रहें। मैं जंगले के अंदर जैसे गई हूँ तो बाहर सारी दुनिया वाम जंगलों के पास ही थी। हमने कहा कि चले यहाँ पे रश भी नहीं है, हम दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे इतना ज्यादा घेर लिया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देख रहे हैं आप क्या, ये है पाकिस्तान की अवाम, ये है पाकिस्तान के मर्द।
लानत है तुम लोगों पे। क्या एक अकेली लड़की को देख के इतना डिग्रेड किया आप लोगों ने, वो भी 14 अगस्त वाले दिन। ये किसी की बेटी नहीं, ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है। क्या इसे आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं है? शर्म आती है आज, आज पूरे आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान को ऐसे झंझोर दिया है ये हरकत करके। आपके घर में भी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं। और मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? हम बस नॉर्मली खड़े ही थे, हमने कभी आपके लिए कोई बुरी वीडियो नहीं बनाई। फिर आप लोगों ने क्यों इसे किया? आप एक लड़की थी। आप लोग ही इस तरह से करने वाले, आप लोग ही प्यार करने वाले। मैं आज दिल कर रहा है कि मर जाए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आज ही पाकिस्तान की बेटी आप सबसे शर्मिंदा, सबसे नाराज। तो ये आयशा बेग की टिकटॉक वीडियोस, और मुझे कहीं भी इसमें वल्गैरिटी दिखाई नहीं दी। फनी टाइप के वीडियोस थे, और इससे ज़्यादा हद तक लोग कुछ किया करते हैं पाकिस्तान में। अगर आप देखे थे कि वो टिकटॉकर है तो गलत ही होगा, ये मेंटालिटी बना रखी है लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान नहीं, इंसानी तौर पर अगर देखा जाए तो आप देखें, अगर इंसानी तौर पर तो गलत को गलत कहना चाहिए। आपको भी, मुझे भी, और सभी को जो भी आज चीज़ों को देखते हैं, तो कम से कम गलत को गलत तो कह ही सकते हैं। गलत हुआ है तो गलत बोलो कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है, ना कि उस पर सवाल उठाओ, उसको डीमोटिवेट करो। अगर वो अपनी लड़ाई भी लड़ रही है कि उनको सजा दिलानी है, तो उसको डीमोटिवेट ना करो कि आप गलत हो और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था वगैरह वगैरह। वीडियोज़ में कुछ दिखाई नहीं दिया, फ़नी वीडियोज़ था, ये फ़नी कंटेंट था, कुछ इमोशनल थे, कुछ ऐसे नॉर्मल टाइप की वीडियोज़ थे, उतने ज़्यादा हाईफाई लेवल के टिकटॉक्स भी नहीं थे। और इन्होंने एंड में बोला भी कि मैं तो ऐसा कोई वीडियो भी नहीं बनाया मैंने कभी जो आप लोगों को गलत लगे, या फिर गलत किया हो मैंने ऐसा कुछ। तो ऐसा वो बंदा भी इमोशनल था लास्ट में मैसेज देते हुए कि ऐसे ऐसे हुआ और आप, मुझे शर्मिंदगी है, आप पूरा पाकिस्तान को झंझोर दिया। जी हाँ, झंझोर दिया है, और इमरान खान तक भी बात पहुंची है। देखिए आगे क्या एक्शन होता है। लोग अपील कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ अपील कर रहे हैं कि कुछ एक्शन लो। नोटिस तो अब तक कर ही लिया है, लेकिन अब कुछ एक्शन का टाइम है। बहुत ही छोटी बात कही है लास्ट में, लेकिन बहुत बड़ा मायने रखने वाली है अगर आप उस देश के रहने वाले हो तो, कि आज पाकिस्तान की बेटी, आपकी बेटी आपसे शर्मिंदा है, आपसे शर्मिंदा है, वहाँ के रहने वाले लोगों से शर्मिंदा है। ये अल्फाज कहने की नौबत आ गई आज वहाँ की लड़की को, जो मुस्लिम कंट्री कहलाती है। मीनार ए पाकिस्तान, मुहर्रम का महीना, 14 अगस्त, आज़ादी का दिन, क्या देखने को इससे बुरा क्या मिल सकता है उस दिन पर, और इस महीने में क्या इससे बुरा देखने को मिल सकता है? आप बताएं, कमेंट कर बताएं, बता सकते हैं कमेंट कर कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या, और इस पर क्या होना चाहिए, क्या एक्शंस होने चाहिए। और आपकी राय इन वीडियोस के बारे में भी मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।